हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस एस सी बालापुर मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आपका मेंटर आपका टीचर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं बेहतरीन से सेशन को लेकर एक जबरदस्त से सेशन को लेकर और आज के इस पार्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हम लोग पाइप एंड सिस्टम के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन को और आपको भी बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा डेफिनेटली इस सेशन को पढ़ने के बाद और काफी दिन के बाद हमारी मुलाकात भी हो रही है हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन रही हो बहुत सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रही हो आ, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी इस वजह से आप लोगों की क्लास जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाई थी हालाँकि कल मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करी थी कल आपकी क्लास के टाइम पर मैं पहुँच नहीं पाया लेकिन आ, फाइनली वो लम्हा वो घड़ी आज आ चुकी है जहाँ पर आज हम लोग सेशन कर रहे हैं और आप सभी लोगों को मिस कर रहा था मैं आप लोग भी मिस कर रहे होंगे मेरे को मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मैसेज भी मेरे को मिले थे ठीक है क्योंकि वो आदत आदसी बन जाती है ना जब आप रोजाना किसी से मुलाकात करते हो पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है तो अब जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी बेटर है बहुत बेहतर है ठीक है तो आने वाला जो अब मंडे होगा ना वहाँ से हम लोग और बेहतरीन तरीके से पूरा अनर्जेटिक होकर पूरी एनर्जी के साथ मंडे से फिर से लगने वाले हैं ठीक है आज हमारी मुलाकात हो गई है और उसका कारण था कि आप लोगों को कहीं ये ना लगे कि यार पता नहीं सर कहाँ चले गए आ, क्लास नहीं हो रही है क्या रीजन है क्या कारण है क्यों नहीं हो पा रही है आ, आप लोग देख रहे हो इवेंट लग रहा था लेकिन क्लास नहीं हो पा रही थी तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना इसलिए मैंने कहा कि चलो आज हम आप सभी से मुलाकात कर लेते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं फिर मंडे से पूरी एनर्जी के साथ पूरे एंथज्म के साथ जिस तरीके से हमारी सारी चीज़ें चल रही थी उसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ठीक है अब मैं बढ़िया हूँ बहुत मतलब पहले से बहुत बेहतरीन हूँ ठीक है गुड मॉर्निंग आप सभी को सभी को जय हिंद सभी को राधे कृष्णा सभी को जय श्री राम सभी को सलाम सभी को सत्याकाल सारी सारी पलटन का इस बेहतरीन से सेशन से 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 में स्वागत है एक बार आप सभी लोगों तक सेशन को पहुंचा भी दीजिएगा क्योंकि काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है तो उन बच्चों को भी पता लग जाए कि यस आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है तो चलिए हम लोग आज के इस पर्टिकुलर क्लास सेशन में आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किस पे पाइप एंड सिस्टम पे ठीक है तो पाइप एंड सिस्टम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से भी एग्ज़ाम में डेफिनेटली हमारे एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं सारी बातें कंसेप्ट से रिलेटेड सारी बातें हम लोग करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कि आज के टारगेट क्या है तो आज का टारगेट यही है कि हम लोग पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें और साथ ही साथ उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें लेकिन जब भी सुबह की शुरुआत होती है जब भी मॉर्निंग की शुरुआत होती है तो कुछ अच्छे अच्छे विचारों के साथ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छे विचार के साथ सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है तो आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है आपको मोटिवेटेड रखता है आपको एनर्जेटिक रखता है आपको यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है तो आज का ऐसा ही मोटिवेशनल जो कोट है वो आपके सामने है कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता आप जिंदगी में कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखेगा आप हमेशा जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं सिकंदर के बारे में आप जानते हैं बहुत बार हारा ठीक है मैं सिकंदर की बात कर रहा था मैं महमूद गजना बोलना था मेरे को मैं सिकंदर बोल गया सिकंदर तो बहुत बार जीता था ठीक है आपको पता है कि महमूद गजनबी ने बहुत सारी लड़ाइयां जो है वो हारी थी लेकिन फाइनली वो जीत गया था है ना तो यही मैं आपको वहां पर बता रहा हूं कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं मायने नहीं रखता आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जीतेंगे ही जीतेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा उसके लिए आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी खुद से लड़नी पड़ेगी आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के पीछे ही सफलता छुपी होती है तो अपना वर्क आप करते रहिए दिन प्रतिदिन अपना कार्य करते रहिए सफलता आपके कदम चूम लेगी है ना और वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में अच्छे अच्छे तूफान समझाते हैं सब आग लगी हो सीने में तो आपकी जो सीने की आग है बस वो धधकती रहनी चाहिए यही जरूरी है करते हैं आज के सेशन की शुरुआत है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का इस बेहतरीन से सेशन में स्वागत है और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट की कि जो हमारा कंसेप्ट है वो हम लोगों से क्या कह रहा है और कंसेप्ट में आ, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें फोकस करना है देखें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाइप की ठीक है जब मेरे भाई हम लोग पाइप की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि पाइप हमारे पास दो तरीके के होते हैं यानी का पाइप का काम दो काम होते हैं पाइप के पहला काम क्या होता है पहला काम होता है फिल करना ठीक है फिल मतलब भरना पाइप का काम है फिल करना यानी कि भरना दूसरा काम है पाइप का क्या ड्रेन करना ठीक है यानी खाली करना तो जब भी आपके पास कोई पाइप होगा या तो उसका काम होगा भरना या फिर काम होगा उसका खाली करना ठीक है और ये भरेगा या खाली किसको करेगा सिस्टर्न यानी कि टंकी को ठीक है पाइप को पाइप ही बोलते हैं पाइप को हिंदी में भी क्या बोला जाता है पाइप ही बोला जाता है ठीक है या नलिका भी कह सकते हैं आप ठीक है तो मैंने आपको बताया कि पाइप का काम क्या है या तो पाइप का काम है फिल करना या फिर पाइप का काम है खाली करना आप फिल कैसे करेगा टंकी को खाली कैसे करेगा टंकी को यानी कि जो हमारे पास टैंक है जो टंकी है जो सिस्टर्न है उसमें लगे हुए पाइप दो तरीके के हो सकते हैं ठीक है अब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है क्या बात आपको ध्यान रखनी है तो ध्यान आपको यह रखना है कि अगर सारे के सारे फिलिंग पाइप हैं, अगर सारे के सारे फिलिंग पाइप है तो कोई आपको बात याद नहीं रखनी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरीके से चलेगा अगर सारे के सारे ड्रेन पाइप हैं तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल टाइम एंड वर्क की चलेगा कोई भी हमारे पास चेंज होने वाला नहीं है लेकिन दिक्कत कब होती है दिक्कत होती है जब कुछ फिल करने वाले होते हैं और कुछ ड्रेन करने वाले होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिलिंग पाइप होगा उसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे और ड्रेन पाइप जो होगा उसको हम किससे शो करेंगे नेगेटिव से ठीक है यानी कि फिलिंग वाले पाइप की जो एफिशिएंसी है वो हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं और ड्रेन वाले पाइप की जो एफिशिएंसी है वो हम नेगेटिव में कंसीडर करते हैं बस इतनी सी वो बात है जो आपको ध्यान रखनी है और अगर ये बात आपको ध्यान रहेगी इस बात को आप ध्यान रख पाओगे तो यकीन मानेगा कि जो सिस्टम पर बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो बड़े आसानी से आप कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लोगे

सॉरी ए एक पाइप है बी एक पाइप है और सी एक पाइप है और इन्होंने बताया कि ये जो पाइप हैं, हैं, वो किसी टैंक को 4, 6 12 आर्स में क्या कर रहे फिल कर रहे रहे फिल ठीक है? चीके? तो पूछा जा रहा है कि टैंक सारे सारे एक साथ खोल दिए जाए तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा तो आपको गुरु जी आसान है देखो सबसे पहले फिलिंग पाइप है फिलिंग पाइप का मतलब ये भी हमारे पास पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है ध्यान रखना जब सारे के सारे फिलिंग पाइप है तो मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए चार का छह का और बारह का जो एल्सियम आएगा वो कितना आएगा ट्वेल्व आएगा इसका मतलब इसकी एफिशियंसी कितनी होगी पॉजिटिव थ्री इसकी एफिशियंसी कितनी होगी पॉजिटिव का टू और इसकी एफिशियंसी कितनी होगी पॉजिटिव का वन तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एफिशियंसी आएगी

यानी कि कितना आर्स हो जाएगा टू आर्स तो टू आर्स मेरे भाई यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही जवाब है जो कि आपके पास कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए तो अगर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब आपने भी बिल्कुल सही जवाब निकाल लिया है बहुत आसान क्वेश्चन था इजिली कर सकते थे आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी बताओ तो जल्दी से समझ में आ गया सभी को गुड 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 चलो अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे है ना अब आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है इस क्वेश्चन को देखेगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Assistant is provided with two pipes A and B. दो पाइप हैं कितने है, में थर्टी मिनट में कार्य कर रहा है, 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 है. दूसरा हमारे पास क्या है, है और इसके बारे में बताया गया कि वो हमारे क्या कर रहा है चालीस मिनट में खाली करता है फोर्टी मिनट में जो है वो खाली करता है ठीक है तो एक पाइप भर रहा है इसलिए पॉजिटिव दूसरा पाइप खाली कर रहा है इसलिए क्या नेगेटिव आंगनों ने बताया कि ए और बी को हमें क्या करना है ओपन रखना है अल्टरनेटिवली फॉर वन मिनट ईच ए को पहले ओपन किया जाएगा तो बताओ कितने समय में जो सिस्टम है वो फिल हो जाएगी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा देखिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है अगर हम यहां पर एल्सियम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ठीक है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी प्लस का फोर आ जाएगी और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी माइनस का थ्री अब उन्होंने कहा कि दोनों को एक एक मिनट काम कराना है यानी कि अगर मैं फर्स्ट मिनट की बात करूं तो फर्स्ट मिनट में सबसे पहले कौन काम करेगा ए और ये कितने वर्क कर लेगा फोर सेकेंड मिनट की अगर मैं बात करूं दूसरे मिनट में कौन काम करेगा बी और भी कितने काम करेगा माइनस का थ्री तो आप यहां पर गौर से देखेगा यहां से टोटल कितना समय लग गया दो मिनट का समय हो गया टोटल हमारे पास यहां पर समय हो गया और टू मिनट के टाइम में जो टोटल वर्क हमारे पास यहां पर हुआ है अगर मैं वर्क की बात करूं तो वो हमारे पास कितना हुआ तो आप कहोगे ओनली वन वर्क ओनली वन वर्क हुआ है यस और नो आप कहेंगे हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हर एक दो मिनट में हमारे पास केवल वन वर्क होगा नेक्स्ट टू मिनट में फिर वन वर्क हो जाएगा नेक्स्ट टू मिनट में फिर वन वर्क हो जाएगा नेक्स्ट टू मिनट में फिर वन वर्क हो जाएगा अब मेरे भाई आपको याद होगा टाइम एंड वर्क में मैंने आपको अल्टरनेटिव वर्क की अप्रोच बताई थी है ना और मैंने आपसे वहां पे कहा था कि जैसे आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ गया आप इस कॉम्बिनेशन से सीधा क्या करना है इसमें डिवाइड करना अब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 120 बार जाएगा जाएगा कि नहीं तो आप कहोगे इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 120 का और जैसे ही मेरे भाई ये काम करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा क्यों देखिए अगर यहां पे दोनों फिल करने वाले होते तब हम ऐसा ही करते बिल्कुल जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था वही लगाते लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब फिलिंग और एड्रेन दोनों हो भरने वाला और निकालने वाला दोनों हो तो हमारे कांसेप्ट जो है वो बदल जाते हैं तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है वो आप यहां पर समझ लीजिएगा जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत जो है वो ना हो ठीक है तो आपको करना क्या है सबसे पहले वन ट्वेंटी से आप फोर कम कर लो ठीक है और फोर कम करेंगे तो कितना बचेगा वन वन सिक्स बचेगा कितना बचेगा वन वन सिक्स अब आपको इससे फोर क्या है फोर है पॉजिटिव वर्क फोर क्या है पॉजिटिव वर्क तो जो पॉजिटिव वर्क था ये हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया ठीक है क्यों किया वो अभी आप समझ जाओगे अब मैं क्या करूंगा वन ट्वेंटी की जगह मैं वन वन सिक्स वर्क कंप्लीट कराऊंगा कितने वर्क कंप्लीट कराऊंगा मैं वन वन सिक्स वर्क तो आपको पता है कि अगर मुझे वन वन सिक्स वर्क कंप्लीट कराना है तो इस वैल्यू को वन वन सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास वन वन सिक्स वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और इसको वन वन सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास वन वन सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कितना टू थर्टी टू मिनट यानी कि अगर इसी तरीके से टू थर्टी टू मिनट काम चलेगा तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा वन वन सिक्स वर्क हो जाएगा ठीक है अब आप ध्यान रखना जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूं दो सौ मिनट के बाद जब दो सौ मिनट आएगा दो सौ तो हमारे पास क्या होगा एक वर्क तो हो गए थे इसमें कुछ वर्क और जुड़ जाएगा और दो सौ मिनट में किसका नंबर होगा आपको होगे का नंबर और ए की कैपेसिटी कितनी है चार तो देखो जैसे ये चार कंप्लीट करेगा तो 120 वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा कंप्लीट अब आप बताओ एक बार अगर वर्क कंप्लीट हो गया तो क्या फिर आप अगले मिनट में जाओगे नहीं जाओगे फिर आप अगले मिनट में नहीं जाओगे लेकिन जब हम एक बार में ले रहे थे तो हम क्या कर रहे थे हम उसको अगले मिनट में भी लेके जा रहे थे तो अगले मिनट में यहां पर लेके नहीं जाना है केवल यहां तक ही आपको रखना है ध्यान रखेगा हमारे पास 120 वर्क कंप्लीट हो चुका है 120 वर्क ही हमें क्या करना था कंप्लीट करना था इसका मतलब हमारे पास जो टोटल समय आ गया वो कितना आ गया वो आ गया हमारे पास दो सौ तैतीस मिनट ठीक है और 233 मिनट को क्या लिखा जा सकता है 233 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? देखो, इसको लिख सकते हैं कि नहीं थ्री आर्स वन एट्टी का मतलब कितना हो गया थ्री आर्स हो, हो गया तो तीन घंटे तो पूरे पूरे हो गए और हमारे पास साथ ही साथ क्या हो गया त्रेपन मिनट और हो गए तो तीन घंटे त्रेपन मिनट ये वो समय होगा जिस समय में जो पूरा का पूरा जो टैंक है वो क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा और तीन घंटे त्रेपन मिनट हमें कहां पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर चलो बताइए जल्दी से कई सारे बच्चे पूछा कि सर टू मिनट कैसे है बेटा आप देखो ये जो फोर वर्क हमारे पास है यहां पे जो वर्क आपको नजर आ रहा है फोर ठीक है

और बी के वन मिनट का काम कितना था तीन ए के वन मिनट का काम फोर था बी के वन मिनट का काम तीन था जब हमने दोनों दोनों के वन वन मिनट को एड किया तो ओवरऑल कितना हो गया टू मिनट हो गया कि नहीं हो गया और टू मिनट में काम कितना हुआ प्लस फोर माइनस थ्री यानी कि वन वर्क ठीक है समझ में आ गया सभी को यह बात क्लियर होगी अब दूसरा पॉइंट यह कि ये वन, वन वन सिक्स कहां से आया तो आप देखो वन वन सिक्स मैंने बताया कि आपके पास टोटल वर्क कितना था वन ट्वेंटी था इस 120 से मैंने पॉजिटिव वर्क पहले ही क्या कर लिया माइनस कर लिया तो हमारे पास वर्क कितना बचा क्यों ऐसा किया उसके लिए पहुंचे तो दो सौ तेतीस मिनट में हमारा ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो गया है अगर आप दो सौ मिनट में पहुंचेंगे तो 120 ट्वेंटी माइनस थ्री 117 बचेगा बचेगा कि नहीं अगर हम दो सौ मिनट में पहुंचेंगे तो वर्क हमारे पास कम हो जाएगा आप बताओ जब एक बार वर्क कंप्लीट हो गया तो क्या हमें उसे कम कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें वर्क कंप्लीट कराना था अगर आप इसको जबरदस्ती एक और नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओगे तो हमारे पास जो समय है उससे एक्चुअल से ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि वर्क एक बार कंप्लीट हो चुका है फिर आप उसको दोबारा कंप्लीट करने जा रहे हो ठीक है जो काम एक बार हो चुका है जैसे घर बनाना था अब आपको समय दिया गया था कि दस दिन में इसको निपटा देना आपने क्या किया उस घर को पूरा दस दिन में बना दिया फिर आपने पटक दिया उसको और फिर आप दोबारा बनाए तो समय एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम उसको पटक दो और दोबारा बनाओ उन्होंने कहा कि एक बार बनाने में कितना समय लगेगा वो हमें बता दो ठीक है लॉक कर दिया जाए बताइए जल्दी से क्या सभी को क्लियर है लवली देर इज नो बफरिंग एंड देर इज नो साइन साउंड इश्यू आई थिंक देर विल बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम इन योर एरिया सो प्लीज रीचेक योर नेटवर्क फर्स्ट ओके चलो समझ गए सभी लोग जल्दी से बताएं सारे बच्चे समझ गए ओ काट इट इट काट इट काट इट वेरी नाइस

जो पाइप ए है और बी है ये किसी टैंक को फिल करते हैं फिल द टैंक ऑफ 900 लीटर कैपेसिटी 900 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक को क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं कितने मिनट में 25 मिनट में एंड 30 मिनट में ठीक है तो दो पाइप है मेरे भाई सबसे पहले यहां पे पाइप ए है पाइप बी है पाइप ए फिल कर रहा है कितने में ट्वेंटी मिनट में ठीक है और पाइप जो बी है वो थर्टी मिनट में फिल कर रहे हैं ठीक है थेके? और यहां पर टोटल कैपेसिटी हमें नौ लीटर दी गई है अब इन्होंने कहा कि जो पाइप सी है वो एम्पटी करता है कितने में एक्स मिनट में ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऑल थ्री पाइप सी एम्पटी करता है लेकिन अगर हम तीनों पाइपों को ओपन कर लें मतलब पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला तो कुल पंद्रह मिनट लगते हैं किस चीज में टैंक को फिल होने में ठीक है अब वो हमसे पूछा कि फाइंड अमाउंट ऑफ वॉटर एम्पटीड बाई पाइप सी इन पर मिनट पर मिनट में जो पाइप सी है वो कितना वॉटर जो है वो एम्पटी करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है चलो ये तो बाद की चीज है पहले आप सीधा सीधा समझिएगा अभी हमें थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं कि 900 लीटर को भूल जाओ और 900 लीटर को भूल जाओ केवल इस पे फोकस करो तो 25, 30 और 15 इन सभी का एलसीएम क्या 150 आ जाएगा आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा ठीक है पच्चीस से कितनी बार हो जाएगा छह बार तीस से कितनी बार हो जाएगा तो आप कहोगे सर पांच बार और पंद्रह से कितनी बार हो जाएगा तो आप कहोगे दस बार ठीक है अब गौर से देखना ये पहले जो दो हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है सिक्स प्लस फाइव यानी कि अलेवन ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है टेन तो आप देखो इन दोनों को मिला के अलेवन है और पूरी वैल्यू हमारे पास टेन आ रही है मतलब सी की वैल्यू कितनी हो होगी वन हो गई भाई टेन

तो सी को लगेंगे 150 मिनट ठीक है सी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 150 मिनट लगेगा पूरा एमपटी करने में ठीक है अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड अमाउंट ऑफ वॉटर एम टी बाय पाइप सी इन पर मिनट, पर मिनट कितना करेगा तो आप देखो यहां पर लिखोगे क्या यहां पर लिखोगे कि 150 मिनट में वो पूरा टैंक खाली कर रहा है मतलब पूरा का पूरा 900 लीटर खाली कर रहा है ठीक है

तो अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब आपका जवाब क्या है बिल्कुल एकदम सही आ रहा है ठीक है इतना आसान क्वेश्चन था इतना प्यार से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे बताओ मजा आ रहा है आप लोगों को एक बार जरा सारे पलटन बताए कि जल्दी से सीख पा रहे हो ना समझ पा रहे हो मजा आ रहा है बोलो बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उल जलूल वाला क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन बढ़िया है प्यारे से क्वेश्चन है और बहुत प्यार से हम उनको कर भी रहे हैं ठीक है बहुत प्यार से कर रहे हैं सी का वैल्यू अभी भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं हे गधों कहां से तुम लोगों ने जन्म लिया था ठीक है इस मतलब ये वो धरती है जहां पे हमेशा विद्वान पैदा हुए हैं और तुम लोग पता नहीं बुद्धि जब बट रही थी तो कहां रह गए थे चलो बता देता हूं कि कहाँ से सी की वैल्यू आई देखो ए की वैल्यू कितनी है छ है बी की वैल्यू बेटा कितनी है पांच है तो सिक्स प्लस पांच माइनस सी और बराबर में कितना है दस है अब अगर आप यहां से सी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी ठीक है चलो कोई बात नहीं अब तो समझ जाना कि सी का वैल्यू जो वन आया था वो कहातीस बारह दो हजार पांच है मैं एम टी एस का फॉर्म कब भर पाऊंगा प्लीज बता दीजिए बट आप देखो एम टी एस का फॉर्म जब अगली बार आएगा तो तुम भर पाओगे ठीक है इस बार तो चला गया अब अगली बार जब फॉर्म आओगे तो भर पाओगे सिंपल सा लॉजिक है ठीक है बेटा पंद्रह क्या है अगर आपको अभी तक यह नहीं समझ में आया कि पंद्रह क्या है और दस क्या है तो तुम्हें पता तुमसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ क्योंकि वो चुल्लू भर पानी वाला अगर हम तुम्हारे ऊपर थोपेंगे तो चुल्लू भर पानी भी मेरे से कहने आएगा कि भाई साहब किस व्यक्ति से मेरी तुलना कर दी ये तो मेरी तोहिन हो गई ये तो मेरी बेइजती हो गई हाँ तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो तुमने पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया पे सिस्टम के इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और अभी तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि यहां पे पंद्रह क्या है और दस क्या है बेटा पंद्रह टाइम है और दस यहाँ पे एफिशिएंसी है यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है सी 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 ई मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैं C के कार्य करने की क्षमता की बात कर रहा हूं ये सिक्स क्या है ये सिक्स ए के कार्य करने की क्षमता है ये पांच क्या है ये बी के कार्य करने की क्षमता है और सी की कार्य करने की क्षमता में क्या करनी है निकालनी है ठीक है चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे आगे अगला क्वेश्चन फिर प्यारा सा क्वेश्चन है जल्दी से हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और किस तरीके से हम लोग इसका जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पे कहा जा रहा है कि पाइप पी जो है वो 12 मिनट में क्या करता है फिल करता है और अनदर पाइप क्यू है जो कि सोलह मिनट में फिल करता है बट दी थर्ड पाइप आर एमपटी इन सिक्स मिनट यहां पे ध्यान से सुनिएगा एक पाइप पी हो गया दूसरा पाइप क्यू हो गया तीसरा पाइप आर हो गया ये फिल कर रहा है ये भी फिल कर रहा है ये एमपटी कर रहा है ठीक है पी के बारे में बताया गया कि वो बारह मिनट में फिल करता है ठीक है क्यू के बारे में बताया गया कि वो सोलह मिनट में फिल करता है और आर के बारे में बताया गया कि वो छह मिनट में खाली कर देता है मतलब काफी फास्ट है यार है ना अब उन्होंने बताया कि जो पहले दो पाइप हैं पी एंड क्यू उनको पहले चार मिनट के लिए हमें खोलना है चलो ये तो बात की बात है पहले हमारा काम है इनका एल्सियम लेना तो बारह का सोलह का और छह का इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा फोर्टी आ जाएगा आप कहोगे हाँ। तो इसकी कितनी हो जाएगी फोर इसकी कितनी हो जाएगी थ्री और इसकी एफिशियंसी कितनी हो जाएगी आठ देखो पॉजिटिव का मतलब भरेगा पॉजिटिव का मतलब भरेगा और माइनस का मतलब खाली करेगा ठीक है नेगेटिव का मतलब क्या है नेगेटिव का मतलब है खाली करेगा ठीक है अब इन्होंने बताया कि जो पहले दो पाइप हैं पी और क्यू उनको सबसे पहले क्या करना है चार मिनट के लिए ओपन रखना है तो चार मिनट के लिए उनको ऊपर रख दीजिए खोल दीजिए चार मिनट के लिए किसको पी और क्यू को तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पी और क्यू दोनों मिलकर चार मिनट में कितना काम करेंगे तो आप देखो चार प्लस तीन कि सात वर्क होगा एक मिनट में तो चार मिनट में कितना हो जाएगा तो आप कहोगे इंटू फोर यानी कि ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट वर्क यहां पर क्या हो गया डन हो गया अब आगे उन्होंने बताया कि देन क्या किया गया जो तीसरा वाला पाइप है उसको भी खोल दिया जाता है मतलब अब इसके बाद P भी काम करेगा Q भी काम करेगा लेकिन साथ ही साथ R भी काम करेगा अब आप गौर से देखना कितनी हमारे पास एफिशिएंसी आएगी चार प्लस तीन माइनस आठ यानी कि जो एफिशिएंसी आएगी वो माइनस का वन आएगी एफिशिएंसी क्या आएगी माइनस का वन ये हमें क्या बता रहा है ये हमें बता रहा है कि यहां से टैंक फिल नहीं होगा यह हमें बता रहा है कि टैंक विल बी एम्पटीड ये हमें क्या बता रहा है यह हमें बता रहा है कि जो टैंक है वो यहां से खाली होगा जो टंकी है वो खाली होगी मतलब अब भरी नहीं जाएगी अब आपको यह सोचना है कि टैंक कितना खाली हो सकता है आप सोचो कि आपके घर में एक टंकी भरी हुई है मतलब एक टंकी है आपके घर में उसमें एक हजार लीटर पानी आ जाता है आपके घर में टंकी है कितना पानी आ जाता है उसमें एक हजार लीटर पानी आ जाता है यह आपके घर की टंकी है इसमें पानी आ जाता है इसकी पानी की कैपेसिटी है कितनी हजार लीटर की कि अगर आप इसको फुल भर दोगे तो हजार लीटर पानी आ जाएगा लेकिन क्या हुआ आज इसमें जो है वो केवल पच्चीस लीटर पानी भरा था ठीक है कैपेसिटी तो थी कि हजार लीटर भर सकता है लेकिन इसमें केवल आज पच्चीस लीटर पानी भरा था अब आपको क्या करना है इसका पानी खाली करना है तो आप बताओ कि अगर हम इस टंकी का पानी खाली करेंगे तो 25 लीटर खाली होगा या 1000 लीटर खाली होगा सारे बच्चे जवाब देंगे फटाफट से बताएंगे जल्दी से सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे को जल्दी से बताएंगे जो बात मैं पूछ रहा हूं ठीक है ठीक है चलो बताइए जल्दी से इनकी सेवा समाप्त कर दी मैंने हाल के हाल अगली बार अप्रोक्सीमेटली कब तक आएगा फॉर्म एम बेटा एस का कैलेंडर दिया हुआ है एम का फॉर्म पहले सी एच एस का आने वाला है मे में उसके बाद फिर एम आएगा ठीक है चलो सारे बच्चे बता रहे हैं 25 लीटर बस यही चीज आपको ध्यान रखनी कि हमेशा खाली उतना होता है जितना भरा होता है सभी का जवाब सही आ रहा है है ना सभी का जवाब सही आ रहा है ठीक है सभी का जवाब यहां पे क्या आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है एकदम सही जवाब है सभी का वेरी नाइस ठीक है अब आप देखो यहां पर आप देखें टैंक की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी 48 की थी लेकिन टैंक भरा कितना है केवल 28 भरा है कैपेसिटी तो 48 की थी लेकिन भरा कितना है केवल 28 तो खाली भी कितना होगा 28 तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना टाइम लगेगा खाली होने में तो आप कहोगे सर 28 टोटल हमें खाली करना है और एक मिनट में कितना होता है एक मिनट में एक यूनिट खाली होता है तो टोटल खाली होने में जो लगा समय है वो कितना आ जाएगा 28 मिनट आ जाएगा ठीक है अब आप यहां पर समझ चुके हैं क्या बताइए चलिए से उन्होंने पूछा था कि टैंक को खाली करने में लगा हुआ जो समय है वो कितना होगा तो आपके पास आंसर यहां पे आ चुका है कितना है आंसर है अट्ठाईस मिनट ठीक है अट्ठाईस मिनट में जो टैंक है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा ठीक है बताइए चलिए समझ में आ गया सभी को यस 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 वेरी नाइस वेरी नाइस चलो लेके चलता हूं फिर आपको अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है फटाफट से इसको जानने की कोशिश करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मजा आ रहा है आप सभी को आप सभी लोग आंसर भी कर पा रहे हो बस यही खुशी तो आपके चेहरे पर देखनी होती है ना और ये खुशी जब आपके चेहरे पर देख लेते हैं तो मजा आ जाता है है ना ये खुशी देख लेते हैं तो मजा आ जाता है देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पी एंड क्यू दो टैप्स हैं जो कि पांच मिनट और दस मिनट में क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं एक लीकेज भी है बॉटम में जो कि पंद्रह मिनट में क्या करता है खाली करता है तो आप देखो पी के बारे में बताया गया कि पी जो है वो फिल कर रहा है कितने में पांच मिनट में क्यू के बारे में बताया गया कि वो भी फिल कर रहा है और कितने में दस मिनट में और उन्होंने कहा कि एक लीकेज है उसको हम आर मान लेते हैं वो एमपटी कर रहा है कितने में पंद्रह मिनट में ठीक है पंद्रह मिनट में क्या कर रहे हैं एमपटी कर रहा है उन्होंने कहा कि टैंक इनिशियल में एमपटी था तो बताइए

इसकी एफिशिएंसी सिक्स आ गई इसकी एफिशिएंसी थ्री आ गई और इसकी एफिशिएंसी माइनस का टू आ गया तो हमारा काम क्या है हमारा काम है सबसे पहले पी क्यू आर को एक साथ काम कराना और इनकी एफिशिएंसी पता करना तो इनको अगर हम एक साथ काम करेंगे तो छह प्लस तीन नौ नौ में से दो जाएगा कितना सात यानी कुल कितना काम करेगा सात वर्क करेगा ठीक है और हमें पता करना है क्या हमें पता करना है टाइम तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है थर्टी है और एक मिनट में कितना हो रहा है सात हो रहा है तो कितना समय लगेगा तो यहां से डिवाइड कर दो सात चौक अट्ठाईस यानी कि चार सही दो बटे सात मिनट तो चार सही दो बटे सात मिनट में जो है वो पूरा खेला हो जाएगा यानी कि पूरा टैंक जो है वो क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा और ये कहां पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है आप लोगों को कहा गया अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम बेहतरीन चिरजीत बेहरा का संडे में एग्जाम है चिरंजीत मेरी तरफ से बी सी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम है ना एग्जाम आपका अच्छा होगा बस पूरी ईमानदारी से जाना घबराना नहीं टेंशन फ्री होकर जाना तैयारी अच्छी होगी तो बिल्कुल एग्जाम भी अच्छा होगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है टैप ए कैन फिल फिला इन ट्वेल्व आवर्स एंड टैप बी कैन एम्प्टी इट इन फिफ्टीन आवर्स मतलब जो पहला वाला पाइप है वो क्या कर रहा है बारह घंटे में भर रहा है ठीक है और दूसरा वाला जो पाइप है वो क्या कर रहा है वो रहे हैं और मतलब टैब ए से स्टार्ट किया जाए और फिर एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली खोला जाए तो कितने समय में टैंक फुल हो जाएगा देखो इसकी कहानी अभी मैंने बताई थी हो सकता है अब आप समझ जाओ तो इनका एल्सियम तो आ जाएगा साठ तो इसकी एफिशियंसी पांच हो गई और मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी चार हो गई अभी मैंने आपको इसकी कहानी बताई थी कि अगर अल्टरनेटिवली काम चल रहा है और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है तो जो पॉजिटिव वाला है सबसे पहले उसको माइनस कर लेना कितना बचेगा फिफ्टी फाइव यानी कि हम लोग पहले पचपन वर्क कंप्लीट कराएंगे क्या करेंगे पचपन वर्क कंप्लीट कराएंगे तो अब देखो और ये काम हमें तभी करना है जब पूरा पूरा भाग जा रहा हो ध्यान रखना जब पूरा पूरा भाग जा हम रहा हो तभी हमें ये काम करना है दरवाही जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर ए है हमारे पास ठीक है ए और माइनस बी ए माइनस बी हमारे पास काम कर रहे हैं तो देखो पांच माइनस चार यानी कि जो हमारे पास वर्क होगा कितना होगा पॉजिटिव का वन होगा ठीक है सॉरी no, माफ कीजिएगा अल्टरनेटिवली कराना है अल्टरनेटिवली कराना, कराना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे वर्क हमें कराना है अल्टरनेटिवली यानी कि पहले फर्स्ट मिनट में जो पहले मिनट में काम है वो कौन करेगा ए करेगा और ए कितने करेगा पांच काम फिर सेकंड मिनट आएगा सेकंड मिनट सेकंड मिनट में किससे काम कराना है बी से वो कितना करेगा माइनस का चार तो यहां पे कुल दो मिनट का काम हो जाएगा और दो मिनट में मेरे भाई जो वर्क होगा हमारे पास वो कितना होगा वन वर्क होगा अब हमें कंप्लीट कितने कराने सबसे पहले फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव वर्क कंप्लीट कराने के लिए फिफ्टी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो फिफ्टी फाइव वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया और यहां पर अगर हमने फिफ्टी फाइव से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी फिफ्टी फाइव से करना पड़ेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा वन वन जीरो मिनट होगा यानी कि इसी तरीके से अगर 110 मिनट तक काम चलेगा तो हमारे पास 55 वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा अब काम तो हमें सिक्सटी करना है तो अब हमारे पास इसके बाद क्या आएगा एक सौ मिनट आएगा और एक सौ मिनट में बेटा किसका नंबर होगा ए का। किसका नंबर होगा ए का। तो ये हमारे पास जो 55 वर्क है 55 में 5 और ऐड हो जाएगा मतलब तो 60 तो वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और हमें सिक्सटी वर्क ही कंप्लीट करना था तो कितना समय लगने वाला है एक सौ ग्यारह मिनट कितना समय लगने वाला है एक सौ ग्यारह मिनट तो यह, अच्छा, यहाँ अच्छा मिनट नहीं आर्ट्स दिया यहां पे सारा माफ कीजिएगा है ना यहां पर सारा डेटा आर्ट्स में दिया और मैं मिनट में लेके चल रहा था ठीक है तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं ये हमारे पास किस में है आर्ट्स में है ये वन आर का वर्क है ये भी हमारे पास वन आर का वर्क है तो ये हमारे पास टू आर का वर्क आएगा ठीक है आर्ट्स लिया है बेटा ये भी हमारे पास किस में आएगा आर्ट्स में आएगा सारी जगह आर्ट्स लिया था तो ये भी हमारे पास किस में आएगा आर्स में आएगा यानी कि 111 मिनट नहीं होगा क्या होगा 111 घंटे और ये कहां पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है हाँ बेटा आर्ट्स ही होगा क्योंकि डेटा हमारे पास किस में दिया है आर्ट्स में दिया है इतने क्वेश्चन हम लोगों ने मिनट में कर लिए थे ना कि वो मिनट रचवस किया था हमारी जिंदगी में है ना इतने सारे क्वेश्चन हमने मिनट भारी कर लिए थे कि वो आर्ट्स पे दिमाग ही नहीं गया वो मिनट में ही चला गया दिमाग ठीक है तो 111 घंटे ही हमारा क्या रहा है आंसर आ रहा है यस में होगा वेरी गुद, 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 वेरी नाईस, वेरी नाइस 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 गुड 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 तो सभी का जवाब सही आ रहा है गुड 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 हाँ बिल्कुल मंडे से बेटा क्लास रेगुलर होगा Uh, कौन है ये सौरित्र uh, सौरित्र गोस है uh, सौरित्र uh, बिल्कुल मंडे से जो है क्लास आपकी रेगुलर होगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी मंडे से क्लास रेगुलर ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहा है कि दो इनलेट पाइप हैं इनलेट का मतलब पानी इन करने वाले और वो 20 मिनट और 25 मिनट में अपना काम क्या कर देते हैं कर देते हैं तो पहला पाइप है ठीक है पहला पाइप है दूसरा पाइप है और दोनों पाइप क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं पहले पाइप के बारे में बताया गया कि वो मिनट में फिल करता है और दूसरे पाइप के बारे में बताया गया कि वो मिनट में फिल करता है ठीक है है एक एक मिनट मिनट में 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 फिल फिल कर कर रहा कितने आगे कहा जा रहा है कि एन आउटलेट पाइप कैन ड्रेन इन ट्वेल्व मिनट एक तीसरा पाइप भी है आउटलेट पाइप कहा गया उसको और वो क्या कर रहा है खाली कर रहा है तो अब देखो ये फिल कर रहा है तो पॉजिटिव फिल कर रहा है तो पॉजिटिव ये खाली कर रहा है तो नेगेटिव और कितने मिनट में बारह मिनट में खाली कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर एक साथ सारे पाइप को खोल दिए जाए तो बताओ टैंक कितने समय में फिल हो जाएगा मैं चाहूंगा कि फटाफट से आप सभी बच्चे इसका आंसर करके मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं ठीक है सारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर करें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है इनलेट पाइप का मतलब होता है बेटा पानी इन करने वाला ठीक है इनलेट पाइप का मतलब है पानी इन करने वाला जल्दी से करें बीस का पच्चीस का बारह का सबसे पहले इनका एलसीएम हमें निकालना है ठीक है सबसे मजेदार काम यहां पे एलसीएम निकालना क्योंकि एलसीएम निकाल लिया तो आगे आधी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाएंगी तो देखो बीस का बारह का तो एक सौ बीस हो जाएगा लेकिन एक सौ बीस आपको पता है कि पच्चीस से डिवाइड नहीं होता है ना एक सौ बीस जो है वो सबसे पहले एलसीएम बताओ बेटा एलसीएम क्या आएगा कल क्लास नहीं होगा बेटा कल मैं लीप पर रहूंगा ठीक है तो कल क्लास नहीं होगा आप लोगों का कल आप लोग रिवाइज करना अच्छे से चीजों को मॉक टेस्ट वगैरह लगाना क्विजेस वगैरह लगाना ठीक है कल आपका क्लास नहीं होगा क्योंकि कल लीप पर हूं मैं ठीक है चलो वेरी नाइस nice. तो अब बेटा इसका एल्सियम निकालोगे सबसे पहले तो एल्सियम हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री अब देखो ट्वेंटी से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा पंद्रह बार है ना पच्चीस से अगर इसको डिवाइड करोगे तो पच्चीस से कितनी बार जाएगा ये बारह बार कितनी बार जाएगा बारह बार पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस दूना पचास और बारह से करोगे इसको कि बारह से कितनी बार जाएगा तो बारह दूना चौबीस और बारह पंच साठ पच्चीस बार जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास यहां पे सारी चीजें आ गई अब आप देखो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि पहला दूसरा और जो तीसरा पाइप है इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी तो एफिशिएंसी आप कहोगे सब पंद्रह बारह सत्ताईस सत्ताईस में से पच्चीस गया कितना हो गया दो तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है दो आ रही है और अब हमें पता करना है कि कितना समय लगेगा टाइम निकालना है तो आपको पता है कि टोटल वर्क हमारे पास थ्री हंड्रेड है और एक मिनट में हमारे पास जो काम होगा मिनट ही दिया ना हाँ एक मिनट में जो काम होगा वो कितना होगा टू होगा तो टोटल हमें कितना समय लग जाएगा टोटल लग जाएगा एक सौ पचास मिनट कितना लग जाएगा मेरे भाई 150 मिनट का समय लग जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है 120 हमारे पास क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है सभी का जवाब बिल्कुल सही है ठीक है सभी का जवाब क्या है बिल्कुल सही है चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा बेटा पहले इसको अगला जो क्वेश्चन इसको पढ़िएगा जल्दी से और कोशिश करिएगा इसके आंसर करने की ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करने का प्रयास करना है करें मेरे भाई जल्दी से फटाफट से बताएं क्या बनेगा आंसर हाँ साइड हो गया बेटा कहा जा रहा है कि तीन पाइप हैं ए बी सी बीस तीस और चालीस मिनट में क्या करते हैं फिल करते हैं ठीक है ए बी और सी तीन पाइप हैं बीस तीस और चालीस मिनट में क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं ठीक है उन्होंने बताया कि सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है चलो ये तो बात की बात है पहले हमारा काम क्या होगा इनका एलसीएम निकालना तो एलसीएम हमारे पास 120 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी और इसकी 3 आ जाएगी सारे एफिशिएंसीज आ गई हमारे पास अब उन्होंने कहा कि सारे पाइप एक साथ खोल दो लेकिन पांच मिनट के बाद A को बंद करना है ठीक है भाई तो सारे पाइप जो हम खोलेंगे मतलब A B और C तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखो छह चार दस और तीन तेरह तेरह वर्क हो जाएगा और कितने मिनट तक के लिए खोलना है पांच मिनट तक के लिए क्योंकि पांच मिनट के बाद उन्होंने बताया ए को बंद कर देना है और जब मेरे भाई ए को बंद कर देंगे तो फिर कौन बचेगा बी और सी बचेगा एंड देन आफ्टर सिक्स मिनट बी बॉज क्लोज तो छह मिनट के बाद बी को बंद करना है मतलब बी और सी दोनों मिलकर चार प्लस तीन सात कितने मिनट तक काम करेंगे छह मिनट तक काम करेंगे फिर से पढ़ना क्वेश्चन को एंड ठीक है क्लोज नेक्स्ट सिक्स मिनट बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिनट की कभी वो इनिशियल से भी कह देते हैं तो इन नेक्स्ट मिनट बी भी क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा मतलब बी और सी दोनों कितने मिनट तक काम करेंगे सिक्स मिनट तक ऊपर कितना हो चुका है सिक्सटी फाइव यहां पर कितना हो चुका है फोर्टी टू इतना वर्क हमारे पास हो चुका है अब इन्होंने कहा कि एट डेट मोमेंट लीक डेवलप्ड अब क्या हुआ इतना काम होने के बाद सबसे पहले आप देखो कितना वर्क हो चुका है तो यहां पर 107 वर्क हो चुका है 107 वर्क हो चुका है करना था हमें 120 107 सौ कंप्लीट हो गया था लेकिन इसके बाद एक ट्रेजडी हो गई इसके बाद क्या हो गया एक ट्रेजिडी हो गया और क्या हो गया उन्होंने कहा एक लीकेज आ गया विच कैन एम्पटी द फुल टैंक इन सिक्सटी मिनट जो कि 60 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है तो आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि एक पाइप डी आ गया जो क्या कर रहे हैं एम्पटी कर रहा है और इसकी हमें क्या करनी है एफिशिएंसी निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हो कैसे टोटल 120 है डिवाइड बाय 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई तो आप कहोगे टू एफिशिएंसी आ गई टू उन्होंने कहा कि एक ऐसा पाइप आ गया जो पूरे टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है तो पूरा टैंक मतलब अगर पूरा टैंक भरा हुआ है और केवल पाइप डी को लगा दिया जाए तो भाई सब 60 मिनट में क्या कर देगा खाली कर देगा मतलब पर मिनट उसकी जो खाली करने की कैपेसिटी है वो कितना है टू यूनिट की है ठीक है अब आप देखो वो क्या पूछे वो पूछे कि वॉट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द टैंक टू बी कंप्लीटली फुल तो कह रहे कि बताइए टैंक को कंप्लीटली फुल होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा अब आप इस बात को समझ पाए क्या बताओ जरा पहले तो पहले बताओ अच्छा आप लोगों ने आंसर भी निकाल लिया वाह वाह 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट यहां पे बच्चे 24 मिनट आंसर भी निकाल रहे हैं ठीक है अच्छी बात है मेरे भाई देखो अभी जो बात मैंने आपको बताई थी मैंने कहा था कि टेंक हमारे पास 120 है ठीक है टेंक हमारे पास कितना है 120 है अभी क्या हो रहा था कि सबसे पहले उन्होंने तीनों पाइपों को लगा दिया सिक्सटी फाइव वर्क इन्होंने कर दिया फिर ए को बंद कर दिया फिर ये हो गया इसके बाद क्या हुआ जब बी को क्लोज किया गया तो वहां पे एक पाइप और आ गया कौन उसी समय डी आ गया जब बी क्लोज किया गया तो पाइप डी आ गया मतलब आगे जो काम है वो सी और डी दोनों करेंगे आगे जो काम है वो किसको करना है सी और डी दोनों को करना है बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं तो सी माइनस डी सी की कैपेसिटी बेटा कितनी है तीन की है सी की कैपेसिटी कितनी की है तीन की है और डी की कैपेसिटी कितनी है माइनस टू है मतलब ओवरऑल अब हमारे पास क्या होगा वन यूनिट वर्क होगा पर मिनट में पर मिनट कितना वर्क होगा वन यूनिट हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा था जरा यहां से देखो रिमेनिंग वर्क अगर मैं आपसे रिमेनिंग वर्क की बात करूं वन जीरो सेवन हमारे पास कंप्लीट हो चुका था तो यहां से कितना तेरह वर्क हमारे पास रिमेनिंग था वर्क हमारे पास क्या था रिमेनिंग था बात समझ में आई तो इसका मतलब इसको अगर मैं आपसे कहूं कि इसको कितना समय लगेगा तेरह वर्ग कंप्लीट करने में तो आप कहोगे इसको तेरह मिनट लगेंगे तेरह मिनट और लगेगा लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा उन्होंने हमसे टोटल टाइम पूछा है बेटा उन्होंने हमसे क्या पूछा टोटल टाइम तो आप टोटल टाइम कैसे निकालोगे इसको समझना पहले पांच मिनट काम हुआ उसके बाद छह मिनट काम हुआ और फिर बाद में तेरह मिनट काम हुआ तो पांच और छह कितना ग्यारह ग्यारह और तेरह कितना चौबीस तो चौबीस मिनट में पूरा वर्क क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा जरा बताओ ये बात समझ पे बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन था बहुत मजेदार क्वेश्चन था और बच्चों ने आंसर भी निकाल लिए हैं यह उससे भी मजेदार बात थी ठीक है उससे भी मजेदार बात यह थी कि बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया था चलो बताओ चल से सभी को समझ में आ गया सारे बच्चों का थम्सअप चाहिए मेरे को कि यस सर क्लियर है सारे बच्चे जल्दी से थम्सअप करके बताएंगे यस सर क्लियर है वेरी नाइस वेरी नाइस आ गया सर समझ में आ गया गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था बहुत प्यारा क्वेश्चन था बहुत मजेदार क्वेश्चन था ठीक है आप लोगों ने कर लिया और इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो तो यहां पर आज का क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है मतलब आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखने वाले हैं मुलाकात करेंगे हम लोग अब मंडे में एक बार फिर से सुबह दस बजे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में दिन होगा सोमवार जय हिंद मेरे भाई